आज 31st हम दिखा रहे हैं, तो 31st के हिसाब से कुछ ही घंटे रह गए हैं फर्स्ट के न्यू ईयर के लिए। तो जय का प्लान है कि आध्या उसके साथ न्यू ईयर मनाए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना मनाए, तो उसको बस उठा के उसके घर से किडनैप करके अपने साथ लेके जा रहा है। क्या प्लान तो बहुत ख़ास है। जय ने बोला है कि तुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई सरप्राइज़ दूंगा। तो पहले कहीं उसको एक केक शॉप में लेके जाता है, उसके लिए केक बनाता है, कुछ खाने के लिए बनाता है, शेफ़ बन जाता है, फिर उसको एक लेटर देता है बहुत स्वीट सा, फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर सा फायर क्रैकर्स का आतिशबाजी प्लान कराई होती है। काफ़ी सारे प्लान्स किए हुए हैं और बहुत ही एक स्वीट और क्यूट जेस्चर है। जी, मोर देन जेलेसी मेरे ख्याल से वो है कि ये लड़का उसके लिए ठीक नहीं है, तो जय का कंसर्न ये है। पर हाँ, शायद जेलेसी भी है जो शायद अभी तक जय को समझ नहीं आ रही। कई बार हो जाता है, हम अपने फ्रेंड के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या फिर पोजेसिव हो जाते हैं, तो अब शायद जय और आध्या का भी यही फिक्स चल रहा है। जी, कोई जो भी लाइफ में स्पेशल होते हैं, हम ज़रूर कोशिश करते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ की जाए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिए जाए, तो आध्या के लिए भी यही कोशिश कर रहा है। इंटरनेट वाला लव भी है, इंटरनेट वाली दोस्ती भी है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्ती से ही लव की शुरुआत होती है। अगर आप दोस्त को बहुत अच्छा समझ सकते हो तो तुम एक जो रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप है वहाँ तक भी जा सकते हो। तो शायद जय और आध्या की लाइफ में भी वही चल रहा है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी तक वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। थैंक यू सो मच।